माननीय रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सन 2000 से लगातार 24 वर्षों से एक सांसद की भूमिका में बिहार और पटना की उन्होंने बहुत सेवा की है। उनको एक बार पुनः छठी बार पार्टी ने कैंडिडेट बनाकर उनके काम को देखते हुए, जनता के बीच में उनके लिए रुझान को देखते हुए एक अवसर दिया है। और मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके लिए और मोदी जी को पटना साहिब की सीट पर बड़ी जीत दिलाने के लिए तत्पर है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना रूढ़ी जी को पूरी तरह आता है। बची बात रोहिणी जी की, रोहिणी जी के लिए मेरे मन में हमेशा एक अच्छा भाव रहता है। एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता को किडनी दान देके उनकी जान की रक्षा की है। मेरी उनको व्यक्तिगत रूप से पूरी शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। अब इसको लेकर के जब बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा से सवाल किया गया कि देश के प्रधानमंत्री बिहार दौरे पे आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना था उनका, सबसे पहले हम वो सुनवाते हैं। साथ ही साथ जिस तरीका से चर्चाएं थी ऋतुराज सिन्हा को लेकर के कि उन्हें पटना साहिब से बीजेपी के द्वारा टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट जो है उनका कट गया, फिर से रविशंकर प्रसाद को टिकट मिला है, इसको लेकर के भी जब सवाल उनसे किया जाता है तो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। प्रधानमंत्री जी जैसा कैंपेनर शायद ही कभी देश के इतिहास में हुआ हो, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी देश भर में कैंपेन करेंगे और उस क्रम में अब बिहार में उनका आगमन जमुई में होने वाला है, उसको लेकर पूरी तैयारी है, पूरे बिहार में उत्साह है। और मुझे लगता है कि बिहार के लिए एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिलने वाला है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय सर्वमान्य है। माननीय रविशंकर प्रसाद जी की जहां तक बात है, माननीय रविशंकर प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सन 2000 से लगातार 24 वर्षों से एक सांसद की भूमिका में बिहार और पटना की उन्होंने बहुत सेवा की है। 10 साल से अधिक केंद्रीय मंत्री के रूप से पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है। उनको एक बार पुनः छठी बार पार्टी ने कैंडिडेट बनाकर उनके काम को देखते हुए, जनता के बीच में उनके लिए रुझान को देखते हुए एक अवसर दिया है। और मैं क्या, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से उनके लिए और मोदी जी को पटना साहिब की सीट पर बड़ी जीत दिलाने के लिए तत्पर है। अजय निषाद आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है, चर्चा ये है कि आपसे भी कांग्रेस ने संपर्क करने की कोशिश की है। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है छेदी जी और अजय निषाद जी के विषय में, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, ये चुनाव ये निर्धारित करने का चुनाव है कि इस देश में विकास के साथ साथ विरासत की संरक्षण होती रहेगी। ये चुनाव विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, मोदी की गारंटी, एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। देखिए, मेरा ये पूरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और साथ में एनडीए के घटक दल मिलकर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार 400 सीट पार अवश्य होगी और देश में, देश की फंडामेंटल नीतियों में सुधार होगा ताकि देश का भविष्य उज्ज्वल हो पाए। देखिए, रूढ़ी जी एक बार नहीं, अनेकों बार के सांसद हैं। रूढ़ी जी अपने जमाने में वन ऑफ यंगेस्ट एमएलए बिहार के हुए थे। उनकी इतनी लंबी राजनीतिक सफर है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना
रूड़ी जी को पूरी तरह आता है। बची बात रोहिणी जी की, रोहिणी जी के लिए मेरे मन में हमेशा एक अच्छा भाव रहता है। एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता को किडनी दान देके उनकी जान की रक्षा की है, मेरी उनको व्यक्तिगत रूप से पूरी शुभकामनाएं। तो आपने साफ तौर पे सुना रविशंकर प्रसाद को लेकर के, इन्होंने कहा है कि देखिए वो कद्दावर नेता हैं और लगातार 2000 से चुनाव जीतते आ रहे हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, पार्टी ने भरोसा जताया है तो हम लोग मिल करके फिर से उन्हें जिताने का काम करेंगे और मोदी को इस बार 400 पार पूरे देश में जिताएंगे, जिससे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन सके। वहीं पे जिस तरीका से रविशंकर प्रसाद को लेकर के चर्चाएं थी कि इस बार उनका टिकट कट जाएगा, ऋतुराज सिन्हा को मिलेगा, इसको लेकर के भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीका से उन्हें मिला है, हम लोग फिर से सभी कार्यकर्ता और नेता मिल करके उन्हें पटना साहिब के साथ साथ पूरे देश में 400 पार कराने का काम करेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।